हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अल्फा स्टडी चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि हम लोग जानते हैं, एनसीईआरटी का सारे चैप्टर वन बाई वन कवर कर रहे हैं। आज तीसरा चैप्टर होगा जो धातु एवं अधातु चैप्टर है। ठीक है दोस्तों, इनका सारे क्वेश्चन को हम लोग वन बाई वन देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, कुछ धातु को पीट कर पतली चादर बनाया जा सकता है, इस गुणधर्म को क्या कहते हैं? तो दोस्तों, धातु को अगर पीट कर पतली चादर के रूप में बनाते हैं दोस्तों, यानी उसके क्षेत्रफल में परिवर्तन करते हैं दोस्तों, तो इसे आघात वर्ध्यता कहते हैं। और एक तन्यता होता है दोस्तों, यानी धातु को खींच कर आप कितना लंबा कर सकते हैं दोस्तों, इसे तन्यता कहते हैं दोस्तों। आपको जानकर हैरानी होगी कि 1 ग्राम सोने को दोस्तों, 1 ग्राम गोल्ड को 2 किलोमीटर लंबा तार खींचकर कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों को समझ में आ गया होगा आघात वर्ध्यता और तन्यता में क्या अंतर है। दोस्तों, आघात वर्ध्यता वो होता है जब हम किसी धातु को पीट कर पतली चादर के रूप में बना सकते हैं, लेकिन तन्यता जो है दोस्तों, उसे खींच कर लंबाई में उसका वृद्धि कर सकते हैं, उसे तन्यता कहते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, आघात वर्ध्यता। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सबसे अधिक तन्य धातु कौन सा है? तो दोस्तों, सबसे अधिक तन्य धातु सोना होता है दोस्तों, और इसे 1 ग्राम सोने का 2 किलोमीटर लंबा तार के रूप में खींच सकते हैं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सोना। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। सबसे अधिक ऊष्मा का सुचालक कौन सी धातु होती है? तो ऊष्मा का सुचालक से तात्पर्य ये है दोस्तों कि ऊष्मा अगर उस जैसा कि मान लेते हैं, यहाँ पे एक तार को किसी स्टैंड पे लटका दिया दोस्तों, यहाँ पे मोमबत्ती का लेप चढ़ा दिए और इस जगह पे गर्म कर रहे हैं, तो ये मोमबत्ती पिघलने लगेगा। इससे हमके ज्ञात होता है कि धातु जो है ऊष्मा का सुचालक होती है। तो सबसे अधिक ऊष्मा का जो सुचालक होता है दोस्तों, वो चांदी और तांबा होता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा एकमात्र अधातु है जो द्रव अवस्था में होती है? ठीक है, होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो कौन सा एकमात्र अधातु पूछा है दोस्तों? जब भी अधातु पूछेगा तो अधातु जो है कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में, मात्र एक ऐसा अधातु है जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में रहता है, वो ब्रोमीन होता है दोस्तों। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ब्रोमीन। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। कौन सा एकमात्र धातु है जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में रहता है? ठीक है दोस्तों, तो मात्र एक ऐसा ही धातु है जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में रहता है, तो इसका जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? वो होता है पारा। ठीक है दोस्तों, पारा जो है कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में होता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? पारा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में किस धातु को चाकू से काट सकते हैं? तो दोस्तों, जितना भी अल्काली मेटल है दोस्तों, उसको हम लोग चाकू से काट सकते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, जैसे अल्काली मेटल में दोस्तों, हाइड्रोजन को छोड़कर लिथियम लिथियम सोडियम पोटासियम इत्यादि होता है दोस्तों, तो इसमें सारे ऑप्शन सही है दोस्तों। लिथियम को भी काट सकते हैं चाकू से दोस्तों, पोटासियम को भी और सोडियम को भी, तीनों धातु को काट सकते हैं दोस्तों। लिथियम का परमाणु क्रमांक दोस्तों, लिथियम का परमाणु क्रमांक 2 होता है, सोडियम का 11 होता है, पोटाशियम का 19 होता है, याद रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अधिकांश धातु के ऑक्साइड की प्राकृति क्या होती है? ठीक है दोस्तों, अधिकांश धातु की प्राकृतिक ऑक्साइड अधिकांश धातु की ऑक्साइड की प्राकृति कैसा होती है, इस सवाल का जवाब दीजिए दोस्तों। तो धातु अगर दोस्तों कॉपर को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराएंगे तो ए बन के तैयार होगा मेरा 2CuO। ठीक है दोस्तों, और ये जो होता है 2CuO, ये क्षारीय प्रकृति का होता है दोस्तों। ठीक है, तो अधिकांश जो धातु का ऑक्साइड होता है दोस्तों, वो क्षारीय प्रकृति का होता है। और एक बात याद रखिए दोस्तों, लेकिन अल्मीनियम और जिंक, ये दो मात्र ऐसा धातु है दोस्तों जिसका ऑक्साइड दोस्तों क्षारीय तथा अम्लीय दोनों
इसका ऑक्साइड दोस्तों क्षारीय तथा अम्लीय दोनों ही व्यवहार करता है, इसीलिए इसे उभयधर्मी ऑक्साइड बोलते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो इसको याद रखिएगा कि अल्मुनियम तथा जिंक दो मात्र ऐसा धातु है जिसकी ऑक्साइड की प्राकृति जो होती है वो अम्लीय तथा क्षारीय दोनों होता है, इसीलिए इसे उभयधर्मी ऑक्साइड बोलते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, क्षारीय। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। एक्वाराज्य में सोना तथा प्लेटिनम मेटल पिघला सकता है, इसमें HCl और HNO3 किस अनुपात में मिलाया जाता है? तो दोस्तों इसको याद रखिएगा दोस्तों, ये 3:1 के अनुपात में मिलाया जाता है दोस्तों। और जो प्लेटिनम जैसे कठोर धातु को और सोना जैसे कठोर धातु को भी पिघला सकता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 3:1। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। सबसे कम अभिक्रियाशील धातु कौन सा है? दोस्तों जो किसी से भी रिएक्शन नहीं करता है, सबसे कम अभिक्रियाशील है धातु, वो दोस्तों सोना होता है, जो सबसे कम अभिक्रियाशील धातु होता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, परमाणु क्रमांक कौन सी अक्षर के द्वारा सूचित किया जाता है? ठीक है दोस्तों, परमाणु क्रमांक जिसे हम हाइड्रोजन लिख दिए दोस्तों, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है। ठीक है दोस्तों, जैसे सोडियम लिख दिए, सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है, तो इसको कैसे सूचित करेंगे दोस्तों, Z=1। ठीक है, या Z=11। तो परमाणु क्रमांक को जो सूचित किया जाता है अंग्रेजी अल्फाबेट के जेड लेटर से सूचित किया जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें। तो दोस्तों सोडियम का परमाणु, किसी का भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के लिए आपको उनका परमाणु संख्या ज्ञात होना बहुत ज़रूरी है। तो सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है दोस्तों 11। ठीक है दोस्तों, इसका एल कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, के कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन कैसे होता है दोस्तों कक्षा सॉरी दोस्तों इसका के कक्षा में KLMN इस तरह होता है दोस्तों। तो के कक्षा में सोडियम का कितना होता है दोस्तों, परमाणु क्रमांक 11 होता है, के कक्षा में 2, 8 और 1, है ना दोस्तों, 2, 8, 1, 10। तो इसका सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 1 हो जाएगा दोस्तों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा C। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आयनिक यौगिक अथवा वैद्युत संयोजन यौगिक किससे हस्तांतरण से बने यौगिक को कहते हैं? ठीक है दोस्तों, इस सवाल का जवाब दीजिए दोस्तों। तो आयनिक यौगिक जो होता है दोस्तों, जैसे NaCl एक आयनिक यौगिक है दोस्तों, तो इसमें सोडियम का 11 होता है, इसका 1 इलेक्ट्रॉन लास्ट कक्षा में होता है। ठीक है दोस्तों, क्लोरीन का 17 होता है, तो 2, 8, 7, इसमें 7 इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है दोस्तों, तो आयन का साझा करके इलेक्ट्रॉन का हस्तांतरण से बनता जो बंधन उसे आयनिक बंधन बोलते हैं। याद रखिए दोस्तों, इलेक्ट्रॉन के हस्तांतरण ट्रांसफर से बने यौगिक को आयनिक यौगिक बोलते हैं और या वैद्युत संयोजन यौगिक बोलते हैं। और इसका जो दोस्तों गलनांक तथा क्वथनांक बहुत ही ज़्यादा होता है, जैसे NaCl नमक का दोस्तों गलनांक होता है 1074 केल्विन, और इसका क्वथनांक जो होता है दोस्तों 1686 केल्विन, बहुत ज़्यादा और बहुत मजबूत आयनिक बंधन। और संयोजक वैद्युत संयोजक यौगिक में जो बंधन बनता है दोस्तों बहुत ही मजबूत होता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आयनिक यौगिक अथवा विद्युत संयोजक यौगिक किसके हस्तांतरण से बने यौगिक को कहते हैं दोस्तों, तो इलेक्ट्रॉन के। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। शुद्ध सोना कितना कैरेट का होता है? शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है दोस्तों, इसको याद कर लीजिएगा। और जो आभूषण बनाने के लिए, ज्वेलरी बनाने के लिए ये इस्तेमाल करते हैं वो 22 कैरेट का, लेकिन यहाँ पे पूछा है शुद्ध सोना कितना कैरेट का होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 24। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों।
विद्युत सोल्डर किस धातु का मिश्रण होता है? तो विद्युत सोल्डर जो होता है दोस्तों, वो सीसा तथा टिन का मिश्रण होता है, जो ऑप्शन नंबर ए में है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पीबीएसएन दोस्तों, इसको याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। अधिकांश अधातु का गलनांक तथा घनत्व होता है। तो हमने अधिकांश अधातु का गलनांक तथा घनत्व होता है दोस्तों, कम होता है दोस्तों। धातु की अपेक्षा दोस्तों अधातु का गलनांक तथा घनत्व दोनों ही कम होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सोडियम तथा पोटाशियम आपातकालीन आग पकड़ लेते हैं, इसे रोकने के लिए कहाँ पर रखा जाता है? कहाँ पर इसको रखा जाता है दोस्तों? किरासन के तेल में। दोस्तों सोडियम तथा पोटाशियम एवं लिथियम ये सब इतना रिएक्टिव होता है कि ये अगर हवा में छोड़ दिया जाए तो तुरंत आग पकड़ लेता है, इसीलिए दोस्तों इसे किरासन के तेल में रखा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। सल्फाइड आयस को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने पर ये ऑक्साइड में बदल जाता है, इस प्रक्रिया को दोस्तों क्या कहते हैं? सल्फाइड अयस्क जो होता है दोस्तों, उसको वायु की उपस्थिति में अधिक तापमान पर गर्म करते हैं तो वो ऑक्साइड में बदल जाता है, इस प्रक्रिया को भर्जन बोलते हैं दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पारद यानी मरकरी दोस्तों, पारा प्लस अन्य तत्व, जब पारा तथा अन्य तत्वों को मिश्रण करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं दोस्तों? पारा तथा अन्य तत्वों का मिश्रण करते हैं दोस्तों तो उसे बोलते हैं अमलगम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अमलगम। चलते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन की ओर। अधातुएं ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करके किस प्रकार की ऑक्साइड बनाती है दोस्तों? अभी हमने पढ़ा धातु जो है ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके क्षारीय प्राकृतिक का ऑक्साइड बनाता है, लेकिन यहाँ पे अधातुएं पूछा है तो उसका जस्ट उल्टा हो जाएगा दोस्तों। अधातुएं ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करके अम्लीय प्राकृतिक का जो है ऑक्साइड प्रदान करती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों अम्लीय। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्राकृतिक रबड़ को और अधिक मजबूत बनाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है दोस्तों? तो प्राकृतिक रबड़ जो दोस्तों वो उतना मजबूत नहीं होता है दोस्तों, इसको सल्फर के साथ मिलाकर गर्म किया जाता है तो बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाता है दोस्तों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सल्फर। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। एकमात्र ऐसी अधातु जिसकी सतह चमकदार होती है। दोस्तों ऐसे हम लोग जानते हैं कि धातु का जो एक भौतिक गुण है कि वह चमकता है दोस्तों, लेकिन एकमात्र ऐसी अधातु है, अधातु होते हुए भी उनकी सतह चमकदार होती है। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आयोडीन। आयोडीन की सतह दोस्तों चमकदार होती है अधातु होते हुए भी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आयोडीन। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। कार्बन के अपरूप का नाम बताएं जो अभी तक ज्ञात सर्वाधिक कठोर पदार्थ है। तो दोस्तों ग्रेफाइट, कार्बन, हीरा, कार्बन डाइऑक्साइड, सारा कार्बन के अपरूप है। तो ऐसा कौन सा अपरूप है जो अभी तक ज्ञात सबसे कठोर पदार्थ है दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हीरा। हीरा सबसे कठोर पदार्थ होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और दोस्तों अगर सबसे कठोर धातु में होगा तो वो प्लैटिनम हो जाएगा। मैग्नीशियम धातु जो हवा में जलाई जाए तो उसका लाल रंग, उसका लोह का रंग कैसा होगा? दोस्तों मैग्नीशियम धातु को अगर हवा की उपस्थिति में जलाते हैं तो उसका जो लोह होता है उसका रंग कैसा होता है दोस्तों? तो उसका याद रखिएगा दोस्तों, हल्का हरा नीला होता है उसका रंग दोस्तों। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। NaCl किस प्रकार का आबंध बनाता है दोस्तों? अभी बताया दोस्तों NaCl जो होता है सबसे मजबूत बंधन होता है दोस्तों। इसका बॉइलिंग पॉइंट एवं फ्रीजिंग पॉइंट बहुत ही अधिक होता है दोस्तों। और ये आयनिक बंधन जो होता है दोस्तों, ये NaCl जो है आयनिक बंधन बनाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आयनिक बंधन। अगला क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। धातु के निष्कर्षण में
सामान्यतः उपयोग में लाए जाने वाले सस्ते अपचायक का नाम बताएं दोस्तों। तो सस्ते अपचायक कार्बन हो जाएगा दोस्तों इसका सही आंसर। ठीक है दोस्तों, बस आज भर इतना ही था दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अगला वीडियो में। ठीक है दोस्तों, अभी तक के लिए शुक्रिया।